हेलो गाइस, मैं हूँ संगीता। किचन कुंफू में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल के रसबरा। इसके लिए हमें चाहिए सोक्ड मूंग दाल। इसे सारा पानी मैंने निकाल ली है। चीनी 1 कप और पनीर 100 ग्राम, ब्लैक पेपर और इलायची, 3 इलायची, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, रोज वाटर। चलिए हम ब्लेंड की प्रोसेस में चलते हैं। अब हम मूंग दाल और पनीर को ब्लेंड करेंगे। पनीर को क्रश करके ब्लेंड कीजिएगा। देखिए हमारी पेस्ट तैयार हो गई है। इस पेस्ट को फाइन पेस्ट नहीं बनानी है, दरदरा ही पीसना है। इसमें हम थोड़ी रोज वाटर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। हमने अच्छे से नमक को मिक्स कर देंगे। हम शुगर सिरप बनाएंगे। गैस पर पैन चढ़ाएंगे। देखिए 1 कप चीनी मैंने डाल ली है। 1 कप चीनी के साथ 1 कप पानी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे चीनी मेल्ट होने तक। अब हम जो पेस्ट बना के रखी हुई है उसको हम तेल में डालेंगे, छोटी छोटी गोल बना के। तेल हमारी गर्म हो चुकी है। देखिए हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी आई है। ऐसे धीरे धीरे आप एक एक करके तेल में डालना। अब देखते हैं हमारी चाशनी कैसी बनी है। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। हमारी चाशनी रेडी हो गई है। देखिए इसकी थिकनेस बिल्कुल करेक्ट है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारी बरे जो है एक साइड हो चुकी है, हम दूसरी साइड पलट देंगे। देखिए हमारी बड़े बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये मिठाई आप घर में इजीली बना सकते हो। ये क्विक बन जाता है और ये सभी को पसंद आता है। हमारी सारे बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हम सारे बड़े निकाल लिए हैं। ऐसे ही हम सारे बड़े तल लेंगे। देखिए हमारी सारे बड़े बन चुके हैं। अब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। मूंग दाल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छे है, इसलिए आप इसको जरूर एक बार घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अब इसमें पेपर इलायची का पाउडर हम डाल देंगे। और इन सारे को चाशनी में डुबोकर 5 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम चलते हैं सर्विंग की प्रोसेस में। देखिए ये कितनी फूल गई है चाशनी में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।